ऑप्शन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो लंबाई दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 4 मीटर और ऊंचाई दी हुई है कितना, 3 मीटर। पहला निकालना है आपको क्या, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LBBH और प्लस में HL, यानी कि हो जाएगा 2L के जगह 5, B के जगह 4, प्लस 4 गुना 3 प्लस 3 गुना 5। ठीक है, चलिए 2 ब्रैकेट में 5 का 20, 4 3 12 और 5 3 15 ये ना होगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 7 2 1 4 4 आ जाएगा, 47 आएगा ना। चलिए देख लीजिए, 5 2 7 हुआ, 2 2 4, चलिए गुना कर दीजिए इसको, तो कितना जाएगा, 94 मीटर स्क्वायर। दूसरा क्या निकालना, आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आपको निकालना है। तो आयतन जब आपको निकालना है, आपको पता ही है एल गुना बी गुना एच, यानी कि एल कितना है आपके पास, 5 गुना 4 गुना 3 मीटर क्यूब, कितना आ जाएगा, 5 का 20 20 यानी 60 मीटर क्यूब यहां से आयतन निकल जाएगा। समझ गए, अगला क्वेश्चन।